तो यहाँ पे जैसा देख सकते हैं कदन की करोला और करोला का इसने काम किया है। अभी जैसा कि देख रहे हैं ये लाइनिंग्स खरीदे हैं, इसलिए कार्बन फाइबर ट्रिम के अंदर, कार्बन फाइबर मेड नहीं है, फाइबर के बने होते हैं प्लास्टिक के। अच्छा वॉइस, ये थी वो लाइट जो टूटी थी। जैसा लोग गाइस, मेरा नाम इब्रार और कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि अभी आपने थंबनेल देखा, यस वही सीन हुआ है जब बेचारी वायर खड़ी होती है, इसको हर कोई ठोक जाता है, या कोई बैटरी निकाल जाता है, या तो फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। खैर हुआ इस तरह था कि सैरी के टाइम गाड़ी को कोई हिट करके गया। और बाय द वे, मैं पहले बताना भूल गया कि ये अभी 13 प्रो मैक्स से वीडियो शूट हो रही है, तो एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास अभी इसका अडॉप्टर वगैरह नहीं है जिससे मैं एक्सटर्नल माइक अटैच कर सकूँ। और वजह ये मोड यूज़ हो रहा है, ये सिनेमैटिक मोड है, तो ये इसके ही एक्स्ट्रा पैसे हमने दिए हैं एप्पल को कि हमें ये सिनेमैटिक मोड मिले। आप बताएं कैसा लग रहा है ये सीन। और दूसरे सीन ये है कि गाड़ी का इतना मकसद नहीं था, बताने का मकसद ये था कि अभी हमने नया कैमरा ट्राई करें तो इसका रिजल्ट कैसा लग रहा है। खैर वो भी स्टोरी मैं आपको समझाता हूँ। तो ये रात को सहरी के टाइम हुआ, ये वाकया छोटा था। तो गाड़ी खड़ी भी है अपनी जगह पे, एक बंदा आया नींद में, मल्लेदारी था, और उसने आके गाड़ी के अंदर हिट की। हमें कहता है कि यार वो मेरान थी गाड़ी, कहता मेरा स्टीयरिंग जैम हो गया तो गाड़ी इसके अंदर जाके बची। और बाकी कोई सेंस भी नहीं बनती थी कि यार कोई किस तरह गाड़ी इस तरह के मार सकता है। टैंकर होता है या कोई ट्रक होता है, ट्रैक्टर होता है, समझ भी आती, तो गाड़ी लेने सीधा इसके अंदर आके सही। लेकिन उस बेचारे का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जारी बात है इसका स्टील का बम्पर है, उसकी वजह से उसकी गाड़ी का फेंडर लाइट ग्रिल बॉनेट और जो चेसी होती है फ्रंट वाली गाडरी, वो सारा कुछ अंदर चला गया था। इसकी सिर्फ लाइट टूटी और हल्का सा डेंट आया, तो इसका भी बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि इसकी लाइट मिलती नहीं है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस आई। तो खैर आज की वीडियो हम ज़रा शुरू करते हैं कुछ नए सीन के साथ, हमारे साथ रहिए। अच्छा वॉइस, ये थी वो लाइट जो टूटी थी, और अभी वो मेरान वाले की भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन वो अफ्तारी के बाद ही नज़र आएगी गाड़ी, क्योंकि अभी वो घर मौजूद नहीं था। तो बॉडी यहाँ से थोड़ी सी अंदर हुई है और ये लाइट टूटी है, और ये जो फ्रेम है ना, ये थोड़ा सा डैमेज हुआ है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। बकाया स्टील के बम्पर की वजह से काफ़ी ज़्यादा उसका नुकसान हुआ है, जैसा कि अभी देख रहे हैं। तो बस यही सीन है, जब मुझे पिक्चर मिल गई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बकाया यही सीन है, अभी हम जा रहे हैं वर्कशॉप कज़न की, थोड़ा सा काम है, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा बॉयज़, अभी हम इस वक्त वर्कशॉप हैं और अभी मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ। मेजर देखते देखते कज़न को भी शौक चढ़ा, उसने अपनी करोला दोबारा रीपेंट की, और साथ में एक और चीज़ बताता हूँ, अलायरिम्स भी ख़रीदे और फेंडर एक्सटेंडर भी ख़रीदे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे कि देख रहे हैं ये अलायरिम्स ख़रीदे हैं, ये 15 इंच के हैं, 9 जे जे मेरे ख्याल से, 9.2 जे जे। तो ये बड़े प्यारे मुझे तो बहुत पसंद है, डीप डिश हैं फुल। और दूसरी जो नहीं है, ये फेंडर फ्लेयर्स नहीं है, कार्बन फाइबर ट्रिम के अंदर, कार्बन फाइबर मेड नहीं है, ये फाइबर के बने होते हैं प्लास्टिक के, लेकिन ऊपर जो डिज़ाइन है इसका कार्बन फाइबर जैसा है। अभी मैं आपको करोला दिखाता हूँ। लो भाई, अभी हम कज़न की वर्कशॉप में हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं लैंड क्रूज़र को भी इसने रंग डाला है। तो अभी हम करोला सबसे पहले दिखाते हैं क्योंकि आप लोग करोला के डाई हार्ड फैंस हैं। अभी जिस तरह के ये मेरान देख सकते हैं, ये भी कज़न ने तैयार किए, और इसकी भी रूफ डाला नया, 92 मॉडल है यार ये, इसकी हालत देखो, इन्होंने तो पूरी बॉडी वर्क ना रीबिल्ड की है इसको, ये चेक करें। तो चीज़ें इसकी नई मिल जाती हैं, ये बहुत फ़ायदा है, ये देखें हर चीज़ पीस नया डाल मिल जाता है, जो भी इसकी बेस वगैरह ख़राब हो बंदा सीधी कर ले, उसके बाद नई चीज़ें डाल लें, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो यहाँ पर जैसा देख सकते हैं कदन की करोला, और करोला का इसने काम किया है, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये मतलब कहना पसंद है गाड़ी, और ये चेक करें। अब पहले पता क्या था, रंग दोबारा डालने की क्या ज़रूरत हुई, उस पहले रंग थोड़ा है डार्क, थोड़ा येलोश में जाता था, ऑफ वाइट में जाता था, अब थोड़ा वाइट में आ गया, तो मतलब कि ये मेरे ख्याल से कंपनी कलर के साथ बना साथ मैच हो गया। अगर आप लोगों ने ये गाड़ी देखी हो कंपनी कलर में, तो उसके साथ काफ़ी हद तक मैच हो गया, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि वाकई इस तरह का सीन है कि नहीं। और इस तरफ देखें जी, BMW 318, ये तो भाई ड्रिफ्ट किंग है पूरी, तो इसका भी इंजन ओवरऑल किया, और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ओवरऑल, सॉरी कह रहा हूँ, गैसकेट वगैरह डाला है, लेकिन चेक करें ये गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा बॉयज, एक साइड तो मैं आपको दिखा दूँ, ये रिम लगा हुआ है, और इसकी जो साइज़ लगा है 195 बाय ये लगा हुआ है 65, और मेरा जो था वो 50 है,
तो इन दोनों में फ़र्क क्या आ जाता है कि जो चौड़ाई है टायर की वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, मेरा वाला टायर इतना आता है, ये इतना है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो इससे ये ऐसे कि गाड़ी थोड़ी ऊंची भी हो जाती है और बम्प्स भी जो खड्डे हैं कम महसूस होते हैं। तो यही सीन है, बकाया ये गाड़ी फुल रेडी होगी तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा, और ये भी बड़ी लैविश तैयार होनी है इंशाल्लाह। काफ़ी भाई पूछते हैं वीडियोस बहुत कम आ रही हैं। देखें जी, वीडियोस कम आएंगी, उसकी रीज़न है कि यार मैं प्रेशराइज होकर काम नहीं करना चाहता, बिल्कुल ईजी होकर करना चाहता हूँ। आप लोग नहीं देखते कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन अब मैं प्रेशराइज होकर वीडियोस नहीं पोस्ट कर सकता। अपने शौक से जो मेरा दिल करेगा मैं इजी होके करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये काम ही होता है शौक वाले, ठीक है, और आप लोगों को पसंद आएंगे तो उसमें और सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी जारी रहेगी और आपके साथ वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये मैंने दावा कर लिया कि प्रेशर हो गया नहीं, क्योंकि अभी 3 दिन बाद वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई मसला नहीं, क्योंकि अल्लाह की देन है, यूट्यूब की देन नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।